बड़ी खबर आपको बताएं, महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर ये बड़ी अपडेट आ रही है। थोड़ी देर में शाह महायुति के नेताओं के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। फडणवीस, अजित पवार सहयोगी मौजूद रहेंगे और सह्याद्री गेस्ट हाउस में इनका पहुंचना होना है। विवादित सीटों पर प्रदेश के नेता शाह को जानकारी देने वाली है। बाकी की डिटेल्स नम्रता के पास है, फोन लाइन पर वो कनेक्ट हो चुकी है। नम्रता, जरा बताएं कि आज वाली मीटिंग के क्या मिनट्स हैं और क्या क्या जानकारी आ रही है। देखिए, अमित शाह 2 दिनों के महाराष्ट्र के दौरे पे हैं। आज उनका ये दौरा खत्म होना है। उसके पहले सुबह 10 बजे के करीब वो सह्याद्री गेस्ट हाउस में महायुति के नेताओं की बैठक कर रहे हैं, जिसमें अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे शामिल होने वाले हैं। दोनों जो डिप्टी सीएम है वो सह्याद्री गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं। कुछ देर में और जो नेता है वो पहुंचेंगे और जो बैठक की शुरुआत होगी। इस बैठक में जो थाने, नवी मुंबई, रायगढ़ की जो प्रमुख सीटें हैं जो विवादों में है, उसको लेकर बातचीत की जाएगी। आपको बता दें कि महायुति के 125 से ज्यादा सीटों को लेकर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई, लेकिन जो बाकी बची सीटें हैं उस पर अभी भी बातचीत चल रही है। तो ये जो प्रमुख सीटें हैं मुंबई, थाने, नवी मुंबई, रायगढ़ की, उनको लेकर अमित शाह बैठक करेंगे। तमाम नेता जो हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत होगी। और जो लोकसभा चुनाव में देरी से उम्मीदवारी जारी की गई, उसकी गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, इसलिए पहले लिस्ट तैयार करके अपने उम्मीदवारों को प्रचार का पूरा वक्त देना चाहते, इसलिए जो ये बैठक है वो भी आज प्रमुख मानी जा रही है। बैठक जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे चलने की बात की जा रही है, क्योंकि इसके बाद अमित शाह को दिल्ली के लिए रवाना होना है। तो ये थाने, नवी, रायगढ़, ये आप बता रहे हैं, इन पेचीदा सीटों पे आज बात बन जाए, इसी की पूरी कोशिश रहेगी। शुक्रिया नम्रता, जो जानकारी आपने साझा करी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।